मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में काली कमाई के दो दो धन कुबेर अफसर पकड़े गए हैं। इंदौर में असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर के घर छापेमारी में सूटकेस में बंद 32 लाख रुपए समेत कई किलो सोना और चांदी बरामद की गई है। उधर छत्तीसगढ़ में पकड़े गए दूसरे अफसर के पास 5 करोड़ रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ है। इन हरे हरे नोटों की गड्डियों की गिनती करते करते आप थक जाएंगे, लेकिन नोटों से भरा ये सूटकेस खाली नहीं होगा। देखिए 100 के 500 के 1000 की इन गड्डियों को कितने करीने से सजा कर रखा गया है। अब ये देखिए यहाँ सोने चांदी के गहने रखे हैं। गणेश की ये मूर्ति शुद्ध सोने की है। काली कमाई का ये खजाना इंदौर में एक्साइज डिपार्टमेंट में तैनात असिस्टेंट कमिश्नर नवल सिंह जादौन के घर से बरामद किया गया है। काली कमाई के इस कुबेर के घर से करोड़ों के गहने और बेहिसाब संपत्ति मिली है। लोकायुक्त की शुरुआती जांच में इनके पास इंदौर में 8000 स्क्वायर फीट का आलिशान बंगला, एक फ्लैट, 32 लाख कैश, तकरीबन 1.5 किलो सोना, 1 किलो चांदी, धार जिले में 2 मंजिला मकान, इंदौर में 4 प्लॉट, 1 बैंक लॉकर, 4 लग्जरी गाड़ियां और सैकड़ों एकड़ खेती की जमीन भी है। यही नहीं, इनका एक पेट्रोल पंप भी है। अंधाधुन कमाई के आरोपी नवल सिंह को अब तक की नौकरी में करीब 80 लाख ही वेतन मिला है, लेकिन इनकी दौलत 10 करोड़ से भी ज्यादा है। इंदौर के बाद अब पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव में पकड़े गए दूसरे धन कुबेर को देखिए। यहां एसीबी ने सिंचाई विभाग में एसडीओ राजेश कुमार के घर छापा मारा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। इनके घर में रुपयों से भरा बैग बरामद हुआ है। एसीबी को मिले इस बैग में तकरीबन 31 लाख रुपए कैश है, 100 से लेकर 1000 तक के नोटों की गड्डियां हैं। इनके अलावा छापेमारी में 25 तोला सोना, 1 किलो चांदी, राजनंद गांव में 2 प्लॉट, 1 मकान, चमेली गांव में क्रशर और 4.5 एकड़ की खनन की जमीन के कागजात मिले हैं। अब तक की नौकरी में एक अफसर को तनख्वाह के तौर पर 80 लाख रुपए मिले, लेकिन उसने 10 करोड़ की संपत्ति खड़ी कर ली, जबकि दूसरे ने 5 करोड़ रुपए जुटा लिए। इस बात से आप अंदाज लगा सकते हैं कि इन अफसरों ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किस कदर लूट मचा रखी है। प्रसन्ना शाहने, इंडिया न्यूज़।